जो करप्ट होता है, जो भ्रष्टाचार चलता है, जो करप्ट नेता होता है उसको आज पनिशमेंट मिलता है। सिंगापुर जैसे देश में पनिशमेंट मिलता है, इंडोनेशिया जैसे देश में पनिशमेंट मिलता है, और वो पनिशमेंट इतना मिलता है कि हर साल, पिछले साल सिंगापुर में 55 लोगों को पनिश किया गया है इसी बिल के तहत, क्योंकि वहां पे और भ्रष्टाचार है ही नहीं। और ये बिल अगर पास हो जाए तो हमारे देश में भ्रष्टाचार खत्म कहीं पे नहीं होती है। हर इंसान को लालच होता है, हर इंसान को लगता है कि थोड़ा पैसा खाते हैं, लेकिन जब एक सिस्टम होता है, जब एक जुडिशियरी होती है, तब वो डरता है। और ये नेता लोकपाल बिल से डरते हैं और इसीलिए लोकपाल बिल को पास नहीं होने दे रहे। नेता लोग डरते हैं कि यही लोकपाल बिल अगर पास हो गया तो कल यही लोग अरेस्टेड होंगे, और यही प्रॉब्लम है। हांगकांग जैसे देश में इसी बिल ने करप्शन खत्म कर दिया, और ये करप्शन इंडिया से अगर हटाना है, मैं तो ये कहता हूं और मैं ये मानता हूं कि अन्ना जी का लड़ाई एक तिहाई जीत हो चुका है, एक तिहाई जीत हो चुका है। गवर्नमेंट ने अभी तक जो जो चीजें बोला है उनसे मैं ये मानता हूं एक लोकपाल बिल जरूर आएगा और हम लोग 33% ये लड़ाई जीत चुके हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये लड़ाई अगर हम 50% भी जीत जाए तो ये देश बदल जाएगा। और आप लोग सब इसके पीछे जुटे रहिए। मैं अन्ना जी को ये दरखास्त करूंगा कि अभी प्राइम मिनिस्टर जी कह रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट हमें मानना पड़ेगा। लेकिन जो लोग आज बटे हुए हैं, 500 मिनिस्टर्स के घरों में हम जा रहे हैं, वो 500 में नहीं जाके सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं 14 लोग, उनके घरों में जाओ। आप स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर प्रेशर बनाए रखो, स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर इतना प्रेशर बनाओ कि इस लोकपाल बिल में जितना कुछ लिखा हुआ है और मैंने पढ़ा है, ये सब सही है और ये हमें करना जरूरी है। और इस स्टैंडिंग कमेटी में अगली बार प्रेशर बना के डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में आप देखो कि वो लोग इस बिल को अमेंड करके, जो हमारा बिल है उसी के साथ और भी सही बातें जोड़ के इस बिल को पास करें। सिर्फ यही नहीं, मेरे को पता है कि अन्ना जी का अगला कदम जुडिशियल और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के तरफ है, और मैं कहूंगा कि ये जुडिशियल और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर भी अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए हमें, क्योंकि अमेरिका जैसे देश में जहां पे भी लालची लोग हैं वो लोग चोरी नहीं करते हैं। चोरी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे देश से 10 गुना ज्यादा जजेस हैं उनके देश में, और हमारे देश में हमें जजेस बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारे जुडिशियल सिस्टम काम करे। हम लोग जब कोर्ट में जाते हैं 20 साल लग जाता है न्याय मिलने के लिए, 20 साल, और यही चीज कोरिया में 6 दिन में मिलता है। ये है फर्क, अमेरिका में 6 महीने में मिलता है, ये है फर्क। और हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा और उसके बाद हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं करीब 150 क्रिमिनल बैठे हुए हमारे पार्लियामेंट में। और ये क्रिमिनल्स ऐसे लोग हैं, जब 2001 में बातचीत चली कि क्रिमिनल शुड नॉट बी अलाउड टू फाइट फॉर इलेक्शन, क्रिमिनल्स को इलेक्शन में हम लड़ने नहीं देंगे, तब सारी की सारी गवर्नमेंट उठ के एक साथ आ गई और उन्होंने 2 सिटिंग के अंदर 2 बार बैठक करके बिल पास कर दिया कि क्रिमिनल्स इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो लोकपाल बिल क्यों नहीं पास करते देते? लोकपाल बिल में ऐसा क्या है जो 2 सिटिंग में नहीं हो सकता है? मेरा ये सवाल है। ये कैसी बात है कि जो अच्छाई के लिए है वो पास नहीं हो सकता है, जो चोरी के लिए है वो पास हो जाता है? आप लोग ये दबाव बनाए रखें, क्योंकि देश बदल रहा है और दुनिया देख रही है ये देश बदल रहा है। और
ये देश इसलिए बदल रहा है क्योंकि अन्ना जी इन्होंने ये लीडरशिप लिया है। मैं नहीं चाहता कि ये अपना फास्ट और रखे क्योंकि वो ऑलमोस्ट जीत चुके हैं, वो जीत चुके हैं ये लड़ाई, और जो थोड़ा सा लड़ाई है उनको उनका तबीयत ठीक रहे तो लड़ाई आगे बढ़ेगा। वो आके यहाँ पे आप लोगों को ललकारते रहे और दबाव बनाए रखे तो ये जंग आगे बढ़ेगी। और मैं चाहूंगा कि अन्ना जी जिए 100 साल जिए, उससे भी ज्यादा जिए, और अन्ना जी अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे वंदे वंदे। शुक्रिया।